सरकार द्वारा चलाई गई सर्वश्रेष्ठ गांव योजना के तहत जिला के गांव ककड़हेड़ी द्वारा वर्ष 2017 के दौरान कैथल जिला में लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम रहने पर इस गांव की 10वीं कक्षा में प्रथम द्वितीय व तृतीय रहने वाली 3 लड़कियों को क्रमशः 75,000 रुपये, 45,000 रुपये तथा 30,000 रुपये के चेक उपायुक्त सुनीता वर्मा ने भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली लड़कियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब लोगों की सोच बदलने लगी है, जिससे हरियाणा सरकार द्वारा लिंगानुपात को सुधारने के लिए जिला में लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम रहने वाले गांव की 10वीं कक्षा की 3 लड़कियों को 1.5 लाख रुपये की राशि से सम्मानित किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिला में लिंगानुपात में सुधार दर्ज करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। गत दिनों जिला प्रशासन द्वारा 500 से कम लिंगानुपात के गांवों के सरपंचों, आशा कार्यकर्ताओं व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया था। इसके साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा प्रसव पूर्व लिंग जाँच तथा कन्या भ्रूण हत्या में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सिरसा से डॉक्टर अभिषेक के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथल में SRB जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ वर्ष 2017 में जो ककेड़ी गांव है उसने एक तरह से टॉप किया है, मतलब उसका सेक्स रेशियो पूरे कैथल के अंदर सारे गांव में से सबसे ज़्यादा आया है। 2017 में इस गांव का जो SRB आया है वो 1567 आया है। सरकार की ये पॉलिसी है कि जिस गांव का सेक्स रेशो हाईएस्ट होता है उस गांव की 3 लड़कियों को जो मैट्रिक में सबसे ज़्यादा नंबर लेती हैं उसको 75,000, सेकंड को 45,000 और थर्ड को 30,000 रुपये के चेक जो हैं दिए जाते हैं। कड़ी में हमने इस गांव की जो 3 लड़कियां हैं, कुमारी ज्योति, कुमारी मलकीत कौर और कुमारी रविंदर कौर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तौर पर चेक वितरित किए हैं। ये मोटिवेशन का ही नतीजा है कि जिस गांव का सेक्स रेशो 560 था पिछले वर्ष, वो इस वर्ष 3 गुना होकर के 1567 हो गया है। इसी गांव की आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, उन सभी को भी सम्मान के तौर पर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। इस बारे में हम बार बार उनको मोटिवेट करते रहते हैं। पीछे भी हमने जिन गांवों का सेक्स रेशो 500 या उससे कम था उनके सभी सरपंचों को, आशा वर्कर को, ANM को हमने बुलाया भी था, उनके साथ मीटिंग की थी और उनको ये बताया था कि आप इसमें 2 तरीके से काम करें। एक तो लोगों को समझाएं, उनको मोटिवेट करें कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, और दूसरा हम थोड़ा सख्ती भी करें कि कहीं वो इस तरह से तो नहीं कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहे हों और उसके बाद जो है MTP करवा रहे हों। तो दोनों तरीके से उनको लोगों पे दोनों तरफ फार्मूले उनको अपनाने को कहा गया है। लोगों को मोटिवेट भी करें और सख्ती भी करें ताकि लोगों की सोच बदल चुकी है सर। पहले लोग सोचते थे कि लड़कियां कमाएंगी नहीं, लेकिन आज सरकार उनको ज़्यादा अवसर दे रही है जॉब करने की, कमाने की, और जब भी वो पढ़ने भी जाती हैं तो या फिर मैट्रिक में भी अच्छे नंबर लाती है तो सरकार उन्हें प्रोत्साहित भी करती है और उन्हें सम्मानित भी करती है। इसकी वजह से लोगों की सोच बदल रही है कि बेटियां भी उनका नाम बढ़ा रही हैं, सिर्फ बेटे ही नहीं बढ़ा रहे। हाँ, भी बेटियां आज बेटों से कम नहीं है और अपनी बेटियों को पढ़ाई और बेटों के बराबर करें।